देश इन रैट माइनर्स को हीरो कह रहा है और उनके हौसलों की तारीफ भी कर रहा है, लेकिन इन हीरो की जिंदगी कैसी है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको इनके बारे में बताते हैं। रेस्क्यू के हीरो की हकीकत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। रैट माइनर्स का ग्रुप छोटा होता है, संख्या कम होती है, एक दूसरे की मदद से काम में ये पारंगत होते हैं, गरीब श्रमिक होते हैं ये। इसके अलावा यहां पर आपको बताऊं कि काम के बदले कम मजदूरी इन्हें मिलती है। खनिज भंडार की खुदाई में ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। खनन माफिया करते हैं रैट माइनर्स का इस्तेमाल, यानी कि जो खनन माफिया है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। कोयला खदान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, कई बार हादसे का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि जोखिम भरा काम है। खदानों से निकली गैस से इनकी जान तक चली जाती है। खनन काम के बावजूद मुश्किल से इनकी कमाई हो पाती है, यानी कि रोजगार इनके लिए कितना मुश्किल है। दलाल व्यापारी क्योंकि पैसा हड़प लेते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं आता। भले ही रैट माइनर्स उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू के हीरो हैं, लेकिन इन पर पाबंदी भी लगाई गई है। क्यों और कैसे, जरा वो भी आप जान लीजिए कि आखिर इन्हें अवैध क्यों कहा जाता है, ये अवैध क्यों है, इन पर पाबंदी क्यों है, कहां रेट माइनर्स पर रोक है, मेघालय में इस पर रोक है, किसने लगाई थी, एनजीटी ने इन पर रोक लगाई थी, कब लगाई रोक, 2014 में इन पर रोक लगाई गई थी अवैध कोयला खनन के कारण, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अवैध खनन में इनका इस्तेमाल माफिया जो है भू माफिया वो करते हैं। तो ऐसे में एनजीटी ने मेघालय में 2014 में इन पर रोक लगा दी थी। लेकिन यही कैसे, एक तरह से देखिए वहां पर उन फंसे हुए मजदूरों के लिए भगवान से कम नहीं थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बहुत दिलचस्प है दीपक, कि जिन पर रोक लगाई गई, एनजीटी ने जिन पर पाबंदी लगाई, 17 दिनों से फंसे हुए मजदूरों के लिए वही सबसे कारगर साबित हुए। जी बिल्कुल, जिन पर रोक लगाई उनकी बात ही ना हो, बल्कि जिनको लोग पूछते भी नहीं है, जिनसे लोग ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं, और जैसा आपने बताया कि इनका मेहनताना बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, और जिस तरह की ज़िंदगी ये जी रहे हैं उसमें ज़िंदगी जाने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। एक छोटी सी जगह पर जाना और वहाँ पर खोदना, खुदाई करना और उसके बाद लोगों को बाहर निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है शिरीन। और एक अच्छी बात, जब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था तो उसमें से मुन्ना एक हैं रेट माइनर, उन्होंने एक बात कही कि जब उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया और दूसरी तरफ जो 41 लोग फंसे, तो उन्होंने पहली बार किसी बाहर के इंसान को देखा तो उनके मन में किस प्रकार की खुशी रही वो बता नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक शब्द उसको कहा कि वो उनके लिए भगवान बनकर आया है, इस पर गले लगा दिया सबने, सब रोने लगे। और उनके पास एक चॉकलेट थी, वो चॉकलेट उन्होंने उसको थमाई और कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप यहां आ गए हमारे लिए, अब ये बड़ी राहत की बात है और हम जल्द बाहर आ जाएंगे। तो बहुत मामूली सी जिंदगी जीने वाले लोग आज भगवान का दर्जा उनको दिया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकती हैं शिरीन कि किस हद तक कितना बड़ा काम उन्होंने किया, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। और सबसे बड़े हीरो अगर किसी को कहा जाना चाहिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो इन्हीं 12 लोगों को कहा जाना चाहिए जिन्हें यूपी से बुलाया गया था, दिल्ली से बुलाया गया था, एमपी से बुलाया गया था। शिरीन बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत भावुकता भरी आपने ये जो इंटरेस्टिंग वहां से स्टोरी बताई कि कैसे उनके लिए तो ये भगवान ही थे ना, क्योंकि 17 दिन से फंसे हुए थे, कोई निकाल के अगर बाहर लाया तो वो हमारे रैट होल माइनर्स थे। ठीक है, आप रहिए दीपक, लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, रैट होल माइनिंग आखिर क्या होती है? तो ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि रैट होल माइनिंग क्या है। आप समझिए इसे, जिन्होंने जीता पहाड़ उनका हाल तो हमने आपको बताया, लेकिन आखिर ये काम है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, कहां पर होता है, कहां ज्यादा प्रचलित है, आपको बताते हैं। देखिए मेघालय में ये बहुत प्रचलित है, संकरी खदान से कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा ऐसा गड्ढा जिसमें सिर्फ एक आदमी की जगह होती है, वहां अंदर जाना उसके अलावा मुमकिन नहीं है। चूहे के बिल जैसा हॉरिजॉन्टल सुरंग, और इस तरीके से कुछ ये काम किया जाता है, रैट यानी चूहा और रैट होल माइनिंग इसी को कहा जाता है। मेघालय में काफी किया जाता है ये। अब हीरो की जिंदगी दांव पर क्यों लगी रहती है, जोखिम क्यों है, आप समझिए जरा। 2018 में 15 मौतें हो चुकी हैं मेघालय में, कोयला खदान में बाढ़ आ गई थी और यहां पर 15 लोगों की जिंदगी चली गई थी। 2021 की बात करें तो 6 लोगों की मौत हुई थी, मेघालय ईस्ट जयंतिया हिल खदान में यह हादसा हुआ था जिनमें 6 लोगों की जान चली गई थी। 2011 से 2019 तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि जोखिम भरा काम है, सिर्फ उतनी ही जगह होती है कि कोई एक आदमी उसके अंदर जा सके। और इसी को लेकर देखिए आप और हम समझ सकते हैं कि इनकी जिंदगी हमेशा जो है वो दाव पर लगी रहती है, मेहनताना भी उतना नहीं मिलता है, इसीलिए इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।